Hello friends, I welcome you to my YouTube channel English Players. Today we are going to discuss some MCQ questions from the poem The Link, Idea of History. आज हम लोग इस पोइम से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट? बताना है आपको पोएट कौन है। द लिंक आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इस पोइम की आपको बताना है कि पोएट कौन है, किसने लिखा है। क्या विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, डब्ल्यू बीट्स, या फिर जेम्स विलियम्स, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखोगे ये पोइम किसकी लिखी हुई है, डब्ल्यू बीट्स ने इस पोइम को। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस डज द पॉइंट वॉन्ट टू विजिट? जो पॉइंट है ना, वो किस प्लेस को विजिट करना चाहता था, कहां जाना चाहता था? क्या वो लेक जाना चाहता था, माउंटेन्स में जाना चाहता था, बीच पे जाना चाहता था, या फिर अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, किसी ऐसी जगह पे जाना चाहता था जहां पर नेचुरल ब्यूटी हो, और वो जगह हिस्ट्री आइलैंड के अंदर है। ओके, वेयर ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड, जहां पर उसने अपना कुछ बचपन व्यतीत किया था। तो आप कह सकते हैं यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, वेयर वॉज द पॉइंट ऑफ चाइल्डहुड टाइम स्पेंट? जो पॉइंट है ना, उसका जो बचपन का समय है, वो कहाँ गुजरा है, आपको बताना है। इन ए टाउन, इन अ विलेज, या फिर ऑन माउंटेन्स, या फिर एट इनिस्फ्री आइलैंड। तो आप देख सकते हैं कि इनिस्फ्री आइलैंड पर इसका समय कुछ व्यतीत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस डिड द पॉइंट वांटेड टू हैव? अच्छा, लेखक जब वहां जाना चाहता है, ओके, इनिस्फ्री जब जाना चाहता है, तो वहां वो किस प्रकार का घर बनाना चाहता है, ये आपसे क्वेश्चन है। ओके, तो जब वो इनिस्फ्री जाना चाहता है, तो घर किस प्रकार का बनाना चाहता है? अब बेल फर्निस्ट, एक बहुत अच्छे तरीके का घर होना चाहिए, बिग हाउस, या बहुत बड़ा होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं अ हाउस मेड ऑफ वुड एंड क्ले। तो आपको मालूम है लकड़ी और मिट्टी का वो घर बनाना चाहता था, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड द पोएट वांटेड टू क्रिएट फॉर हनीबीज? जो हनीबीज है ना वहां पर, ओके, जो मधुमक्खियां हैं, उनके लिए लेकर क्या बनाना चाहता था? तो उनके लिए कुछ पेड़ों की व्यवस्था करना चाहता था, या फिर हैब्स बनाना चाहता था, फ्लावर्स, या फिर नट। तो आप जानते हैं कि आपने पढ़ रखी है, लाइफ में डिस्कस किया हुआ है, पोएट उनके लिए क्या बनाना चाहता था, हैब्स बनाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पोएट वॉन्ट टू लिव एट इनिस्फ्री? इनिस्फ्री पर लेखक जो है ना, पोएट जो है ना, वो किस प्रकार से रहना चाहता है, विद फ्रेंड्स, या फिर विद पेरेंट्स, या फिर विद सिबलिंग्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों और सिबलिंग्स के साथ, या फिर और अलोन, किस प्रकार से रहना चाहता है? क्या वो अपने जो सिबलिंग्स हैं, फैमिली मेम्बर्स जो हैं, उनके साथ रहना चाहता है, या फिर अपने मित्र के साथ रहना चाहता है, या फिर आप देख सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट जो है वो बिल्कुल अकेला रहना चाहता, वो चाहता था कि नहीं भाई, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से मेरे को अलग जाना है, और एक अलग जगह जाना है, कि मैं बिल्कुल एकदम शांत पूर्ण जिंदगी व्यतीत करना चाहता हूँ। तो आप कोई भी देखेंगे कि कोई मैं क्या कहता है, वो कि वह तो अकेले जीवन जीना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लांट्स पॉइंट वांटेड टू ग्रो एट इनिस्फ्री? इनिस्फ्री पर जो पॉइंट है ना, किस प्रकार के, आपको बताना है कि कौन से प्लांट जो है ना उगाना चाहता था, क्या गुलमोहर ट्री उगाना चाहता था, या फिर पाइन ट्री, या फिर बीन प्लांट, या फिर दे सकते हैं आप एप्पल ट्रीज। तो बताना है आपको कि कौन से प्लांट हैं जिन्हें पॉइंट वहां जाकर के लगाना चाहता था। तो आप देखेंगे इसके लिए क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीन प्लांट लगाना चाहता था। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
What kind of scene is there at night in Innisfree? बताना आपको कि Innisfree के अंदर और वो भी कब? At night. रात्रि में वहाँ Innisfree का दृश्य किस प्रकार का है आपको ये बताना है. क्या वो डार्क है, ग्लोमी है, चार्मिंग एंड ग्लिमरिंग है या फिर इनमें से किसी भी प्रकार का नहीं है. तो आप देखोगे इस पोइम को आपने लाइन टू लाइन पढ़ रखा है तो आप पाएंगे कि वहाँ जो रात्रि का सीन है वो भी कैसा था, चार्मिंग एंड ग्लिमरिंग सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स दिस आर पॉइंट हियर एट Innisfree. Innisfree पर जो पॉइंट है ना वो किस प्रकार की साउंड सुनता है आपको ये बताना है. क्या वो हॉरिबल साउंड सुनता है या फिर नॉइज सुनता है या फिर प्लीजिंग बजिंग म्यूजिक लाइक साउंड ऑफ बीस बीस की आवाज सुनता है या फिर नन इनमें से कोई नहीं. तो आप देखेंगे वहां पर वो किसकी आवाज सुनता है ओके बजिंग ऑफ बीस ओके. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फुल नेम ऑफ डब्ल्यू गेट्स. अच्छा डब्ल्यू गेट्स का फुल नेम बताना है. फुल नेम क्या है विलियम बटलर गेट्स या फिर आप देख सकते हैं विलियम बिले गेट्स है या फिर विलियम बर्मिंगम गेट्स है उसका नाम या फिर नन इनमें से कोई नहीं. तो आप देखो उसका नाम क्या है विलियम बटलर गेट्स इसका कंप्लीट नेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. व्हाई डिड द पॉइंट वांट टू गो टू Innisfree. बताना है कि पॉइंट जो है Innisfree क्यों जाना चाहता था. He wanted to relive his past, क्योंकि वह वहां जाकर अपने पास्ट को थोड़ा सा रिलाइव करना चाहता था. टू एनरिच हिज स्पिरिट ओके एंड टू फील लाइट अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ द सिटी. यानी कि शहर के जो शोरगुल भरे हुए यहाँ पे शहर से दूर जाकर के थोड़ा सा शांति को अनुभव करना चाहता था ओके अपनी इस स्पिरिट को हल्का करना चाहता था या फिर वो है चेंज ऑफ मूड अपना मूड जो है थोड़ा सा उसे चेंज करना था टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू या फिर कुछ नई चीज़ों को करने के लिए वहाँ जाना चाहता था. तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन दिस पोइम. बताना आपको इस पोइम के अंदर लाइन कितनी है 14 10 8 या फिर 12 लाइन्स. तो आप आएंगे इस पोइम के अंदर देखो 4 4 4 ओके चार चार लाइन के क्या है एक क्वार्टरिंग है ओके एक क्वार्टरिंग फिर से आप देखोगे तो एक क्वार्टरिंग और फिर से एक क्वार्टरिंग टोटल लाइन देख सकते हैं 12. तो इस पोइम के अंदर कितनी लाइन है टोटल 12 लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ सीन इज डिस्क्राइब्ड एट Innisfree ड्यूरिंग नून टाइम. यानी कि जो दोपहर का वक्त है उस समय पर वहां किस प्रकार का सीन है गोल्डन मून ठीक है गोल्डन मून इनका मतलब कलर ठीक है भाई कलर होता है ब्राइट ग्रीन येलो लाइट ओके ये ग्रीन है ब्राइट ग्रीन एंड येलो लाइट्स या आप देख सकते हैं पर्पल ग्लो कैनिशी या फिर नंदी में से. तो दोपहर के टाइम पर आप देखोगे तो वहां पर क्या है पर्पल ग्लो ओके. तो ऑप्शन नंबर सी इज वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साउंड्स डज नीड्स यंग टू हियर. जो पॉइंट है आपको बताना है कि जो पॉइंट है वो किस प्रकार की आवाज सुनने का इच्छुक है क्या अच्छा लगता है वो किसका साउंड सुनना चाहता है वो साउंड ऑफ बी या फिर एरोप्लेन्स या फिर ऑटोमोबाइल्स या फिर मोबाइल फोन्स. तो आप देखोगे को साउंड ऑफ बीस मधुमक्खियों की आवाज सुनना चाहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हाउ मेनी रोज ऑफ बीन्स डज द पॉट वॉन्ट टू प्लांट आपको बताना है. अच्छा वहां वो कहता है ना कि आई वॉन्ट टू प्लांट यू सम बीन्स सम रोज ऑफ बीन्स. तो वो आपको बताना है कि कितनी रोज की बात कर रहा है क्या वो 7 रोज है 8 है 9 है या फिर 10. तो आप देखो वो कितनी रोज लगाने की बात कर रहा होता है 9 रोज.
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट साउंड डज द पॉइंट हियर इवन व्हेन ही इज अवे फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। जब वो इंस्ट्रूमेंट से अलग होता है तब वो किस प्रकार की साउंड सुनता है, साउंड्स ऑफ कार, ओके, नॉइज ऑफ द सिटी, या साउंड ऑफ लेक वाटर, या फिर ऑल, ओके। तो आप देखो वो किस प्रकार की संख्या है साउंड सुनता है जब वो इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा दूर रहता है, तो साउंड ऑफ ओके लेक वाटर ये सुनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस वॉज इनस्पिरी, इनस्पिरी बताना आपको किस प्रकार का प्लेस है, क्राउडिंग, भीड़ से भरा हुआ है, आप प्लेस ब्लॉक नेचुरल ब्यूटी, एक ऐसा प्लेस है जो नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, कॉम का मतलब वहाँ शांति है, सरीन का मतलब है थोड़ा सा गंभीर एंड कैसा है सोल, ओके। या फिर आप देख सकते हैं आप बड़े प्लेस, ओके, अवे फ्रॉम द सिटी, एक कीचड़ युक्त प्लेस है लेकिन थोड़ा सैर से दूर है। या फिर आप प्लेस ब्लॉक नॉइज, एक ऐसा स्थान है जहाँ शोर बहुत ज्यादा है, तो आप देखोगे वो किस प्रकार का है, आप प्लेस ब्लॉक नेचुरल, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर प्राकृतिक जो सुंदरता है, शांति है, गंभीरता है, और ये सब कुछ वहाँ आपको देखने को मिलता है, इसीलिए तो बर्ड वहाँ जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हुए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो नेम द थ्री थिंग्स दैट द पॉइंट वुड लाइक टू डू एट इनस्पिरी, वो तीन चीजें बतानी आपको जिन्हें पॉइंट इनस्पिरी जाकर के करना चाहता, ओके। तो क्या करना चाहता था, क्या पॉइंट, प्लांट नाइन बीन ट्रीज, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो नाइन बीन ट्रीज लगाना चाहता था, ओके, नाइन रोज लगाना चाहता था, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। मेक हाइव फॉर हनी बीज, हनी बीज के लिए यानी क्या वो हाइव बनाना चाहता था, तो साइड हम ये भी ऑप्शन में पढ़ चुके हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। मेक अ हाउस, वो एक घर बनाना चाहता था, बैटल्स मिट्टी और लकड़ी का, तो आप कहेंगे हाँ वो ऐसा भी करना चाहता था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो ये सब कुछ करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स बीज, व्हाट डू दीज बर्ड्स मेक, आपको भी बताना है लिनेट, ओके, एक पक्षी होता है और इसकी पंख लिनेट्स बीज, ओके, व्हाट डू दीज बर्ड्स मीन, इन शब्दों का क्या अर्थ है आपको ये बताना है, और नॉइज ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं लिनेट्स इन फ्लाइंग इन द इवनिंग स्काई, या फिर बजिंग बीज, या फिर आप कह सकते हैं नॉइज ऑफ इंसेक्ट्स इन द इवनिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिनेट पक्षी की बात हो रहा है जो इवनिंग टाइम पर उड़ता हुआ वहां नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स, व्हाट इमेज डू दीज बर्ड्स यू ड्रॉ इन द माइंड, क्या है देखिएगा कि लेक वाटर जो है ना वो लैपिंग कर रहा है और उसकी धीमे धीमे हल्के की आवाज आ रही है, ये इमेज जो है ना क्या दर्शाती है, फ्लोइंग स्ट्रीम बहती हुई एक जलधारा को, साउंड ऑफ फ्लोइंग स्ट्रीम, ओके, या बहती हुई आप कह सकते हैं किसको, फ्लोइंग स्ट्रीम को, धारा के साउंड को बताती है, लो सॉफ्ट साउंड ऑफ लेक्स इन वाटर वॉशिंग इन द सेल्स, या फिर ना, तो आप देखोगे इसमें लो सॉफ्ट एक हल्की साउंड है, लेक्स वाटर जो किसकी है, झील के पानी की है, वॉशिंग द सेल, शो, तो जो भी किनारे पर उसकी जो आवाज आ रही है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन थे इस पॉइंट से, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, इसी प्रकार से हर पॉइंट से हम एमसीक्यू क्वेश्चन और उनको लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं, और एमपीपीजीटी के सिलेबस में जो भी पॉइंट्स प्रेस्क्राइब हैं और जो भी चैप्टर्स मौजूद हैं वो सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल से अवश्य